अस्सलामुअलैकुम नासिरीन, प्रोग्राम क्राइम वॉच में आवां जो मेज़बान गाज़ी झंडीर। अजोके क्राइम वॉच में अस जिक्र कदासी कराची में जो बदमनी है दहकाव वाली सूरत हाल एक भेरो बीहर कर खणी रही है। उनके पुठियां लिखल किरदार कड़ा कड़ा सबब आन जो कराची में काफ़ी अरसे ताईं अमन अमान की सूरत हाल तसली जोगी रही है, ठापुर रही है। पर हाँ गुजरल डेढ़ महीने के अरसे का वठी पोयन छहन हफ्तन दौरान एक बे के पुठियां छह वड़ा वाक़िया थे दहशतगर्दी जहाँ जैसे करे शहर में न रुगो दहकाव है पर केतरा ही सवाल पिण पैदा थी विया कानून लागू कदड़ इदार की कारकर्दगी के हवाले से। उनखां अलावा शहर अंदर जो अमुन है वो मुस्तकिल बुनियादन से रहो कायम या वरी बीहर डोहारी जो टोला नेटवर्क आन उ सरगर्म थियण शुरू थी विया कराची वासन के एक भेरो बीहर त बदमनी जड़ी बाह के बभड़ में सड़नो न पवो यह सूरत हाल है। जैसे असं अजोके प्रोग्राम में तवे सामू कुछ शूं रख चाहूँ था। खास तौर से जो अली रजा आब्दी MKM जो अगूण MNA गुजरल दिहाड़न में मारो वो है उन कराची के अमन अमान के हवाले से केतरा ही सवाल पैदा थी विया दहशतगर्द कार्रवाई की सीरीज़ है उन न रुगो आम मानून के पर खुद कानून लागू कदड़ इदार हुकूमतन के भी परेशान कर वो है। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ गुजरियल दिहाड़े अमन अमान के हवाले से जो इजलास है उन में वे वजीर कानून लागू कदड़ इदार केतरा ही सवाल क्या संदस चवण है त कड़ा सबब आन जो बदमनी की सूरत हाल एक भेरों बीहर पैदा थी वही है ए इन काबू आने सकते तो या कड़ी कमी पेशू आन जे असें दूर करन खपन। बड़े वजीर जी क्लिप जारी थी है वजीर अला हाउस पारा उन इजलास की सदारत दौरान या गैर मामूली क्लिप है इन पैरिया रवायत न रही है तो वजीर अला जो कानून लागू कदड़ इदार इजलास कह रो है उनकी रुगो प्रेस पधराई जारी थी है पर भेरे वजीर अला हाउस पारा वे वजीर की जो इजलास दौरान गाल बोल है उनको मखसूस हिस्से की वीडियो क्लिप जारी कई है। अचो तक बुधाऊँ तो वो वजीर अमन अमान के हवाले से केतरो तशवीश या गणती जो शिकार है उन कानून लागू कदड़ इदार सरबराहन से कड़ो रवैयो है इजलास दौरान। एक तरीके से इंडिकेशन जरूर आ रही है कि प्रॉबेबली कहीं हमारी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है या जो टेररिस्ट है वो फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और हम उसको प्रॉपरली देख नहीं सक रहे हैं। इंसिडेंट्स कायदाबाद वाला 17 नवंबर को हुआ और उसके बाद डिफेंस में वो जो एक गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजन हुई, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ, उसका खैर पता चला है कि वो एक मास्टरमाइंड जो है मारा गया है अफगानिस्तान में। MKM के मिलाद की एक इवेंट था उस पर क्रैकर का हमला हुआ, फिर दो या तीन दिन पहले जो PSP के दफ्तर पे एक अटैक हुआ, दो लोग मारे गए और कल रात को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ एक फॉर्मर MNA उनको घर पे घुसते हुए उधर जो है बड़ी ओपनली मारा है। दो तीन जो कंसर्न की बात है कि ज़्यादातर इंसिडेंट्स बल्कि मेरे ख्याल है इनमें से 6 में से 3 इंसिडेंट जो हैं वो साउथ में हुए हैं विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए रिलेटिवली कार्मर एरिया। सेकेंडली ज़्यादा हमारा फोकस भी रहा है सारी काउंसलेट सारी रेड जोन इम्पॉर्टेंट जगहें ये साउथ में आती हैं तो हम उधर ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं। तो थोड़ी सी कंसर्न ज़रूर है, आई डोंट नो जो IG साहब भी हैं DG साहब भी हैं लाइक देम टू गिव देयर व्यूज़ ऑन दिस कि क्या वजह है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हुए डन अ वंडरफुल जॉब, उसमें कोई शक नहीं है, जो कुर्बानी है उसमें कोई शक नहीं है, बट अल्टीमेटली हमें लोगों का तहफ़ जो करना है वो ज़रूरी है। और वहाँ पे अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं तो एक स्केयर कम्युनिटी में फैल जाता है, क्या वापस कराची उसी तरफ जा रहा है जैसे पहले था, क्या वो एलिमेंट्स और उसकी भी काफ़ी इंडिकेशन हैं आई एम श्योर आप लोग बताएंगे मुझे ज़्यादा जो मैंने देखी हैं कि वो वापस से जो टेररिस्ट हैं आपस में मिल रहे हैं या उनको
मैसेजेस ऐसे पास हो रहे हैं जो कि उनको इंटाइज कर रहे हैं कि जी दोबारा आप इस टेररिज्म की तरफ जाएं। नाजरीन अमनमान के हवाले से वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ वजीर आला हाउस में थियल इजलास में वडे वजीर की गाल बोल मां बुधी थोड़ी जो ये गाल बोल मुख्तसर है पर छाकाण त इन इजलास में आईजी सिंध पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम समेत डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस इदारन जा सूबाई सरबराह तोड़े पुलिस जा अहम अमलदार अहम हुकूमती अमलदार शामिल हैं। इन इजलास में वडे वजीर मुख्तलिफ़ सवाल उथारिया पुलिस कानून लागू कंदड़ इदारन की कारकर्दगी के हवाले से अफसोसनाक सूरत हाल यकीनन है नाजरीन त केतरे ही अरसे में कराची खास तौर पर केतरन ही ढहाकन का वी बदमनी के बाह में सड़ो रो है। 2013 में कराची में शुरू कल टारगेटेड ऑपरेशन का शहर अंदर कुछ अरसे के लिए ठापुर आई अमन अमान वाली सूरत हाल पैदा थी पर उन वेझे माजी दौरान जी सीरीज शुरू थी है वाक्यन की उनकी शुरुआत थी कराची के लांढ़ी वाले इलाके का जिते लांढ़ी में एक बम हमलो किया कायदाबाद पुल के हेठा उन क्राइम जी सीरीज आहे वह वधंदी आई डिफेंस में कार धमाको थियो चाइनीज़ कौंसुलेट खाने ते हमलो थियो जैके बहरहाल कानून लागू कंदड़ इदारन नाकाम बनायो पर चाइनीज़ कौंसुलेट ताई पहुंची वया दहशतगर्द कीअं पहुंता उनते भी केतरा ही सुवाल आहिनि। उनखां पोइ एम के एम जी गुलिस्तान जौहर में एम के एम जी महफ़िल मेलाद के निशानो बणायो वियो बम हमलो थियो उते जंहिंमें वॾो जानी नुक़सान त न थियो पर इहो जेको वाकियो या हानियो हुयो यकीननि छिरकाईंदड़ हो। उनखां पोइ गुज़िरियल ॾिहाड़नि में पी एस पी जे ॿिनि कारकुननि खे निशानो बणायो वियो कराची में ऐं उनखां पोइ ई जेको आख़िरी वाकियो पेश आयो आहे उहो इंतिहाई छिरकाईंदड़ वाकियो आहे जंहिंमें एम के एम जे अॻूणे एम एन ए अली रज़ा आब्दी खे मारियो वियो आहे डिफेंस जे पोश इलाइक़े में। अली रज़ा आब्दी जी जेका इहे टारगेट किलिंग आहे उनखां पोइ न रुगो वफ़ाक़ी गवर्नमेंट इंतिहाई संजीदा थी वई आहे कराची जे अमन अमान जे हवाले सां शहरयार आफरीदी जेको मुमलकती वज़ीर आहे वफ़ाक़ी घरू खाते जो उहो हिते कराची पहुतो आहे उन गवर्नर हाउस में अलॻि इजलास कयो आहे कानून लागू कंदड़ इदारनि सां जॾहिं त वॾे वज़ीर जे इजलास जे हवाले सां असां अव्हांखे आगाही ॾिनीसीं। पर हिते जेका दिलचस्प सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त अॼु कराची जे अमन जे हवाले सां जॾहिं ॿीहर सुवाल उथनि पिया त वफ़ाक़ी गवर्नमेंट ऐं सूबाई गवर्नमेंट बज़ाहिर अलॻि अलॻि पेजनि ते आहिनि हिकिड़े अनबोर्ड कोन आहिनि हिकिड़ी सिफ़ में मौजूदु कोन आहिनि पर वॾो वज़ीर जेको इजलास करे पियो उन में गवर्नर शामिलु नाहे ऐं जेको गवर्नर हाउस में इजलास थिए पियो अमन अमान जे हवाले सां उन में वॾो वज़ीर शामिलु नाहे या सिंध हुकूमत जो को बि चूंडियल नुमाइंदो शामिलु नाहे। इहो हिकिड़ो पहलू आहे जेको यकीननि गणती जहिड़ो आहे त कराची जे अमन अमान जे हवाले सां जेके आला सतह जा इजलास थियनि पिया गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस में उन्हनि इजलासनि में वफ़ाक़ी सरकार ऐं सूबाई सरकार अलॻि अलॻि सिफ़नि ते बीठल नज़र अचनि पिया। ॿिए पासे हिते अली रज़ा आब्दी जे क़तल खां पोइ जेका शुरूआती तौर ते जांच साम्हूं आई आहे या जेके शुरूआती इंडिकेटर्स मिलणु शुरू थिया आहिनि उहे कड़ियुनि सां जेके मिलायूं वञनि पियूं त अली रज़ा आब्दी जे क़तल खां पहिरियां एम के एम पाकिस्तान जी महफ़िल मीलाद ते हमिलो थियो उनखां पहिरियां पी एस पी जे ॿिनि कारकुननि खे टारगेट बणायो वियो मजमूई तौर ते जेके टे वॾा वाक़िया थिया आहिनि उनमें एम के एम जे टिनि अलॻि अलॻि धड़नि खे टारगेट कयो वियो आहे ऐं इन जूं कड़ियूं हींअर ताईं जी जेका मालूमात आहे मिलायूं वञनि पियूं एम के एम लंदन जे नेटवर्क सां ऐं उनजो जेको एम के एम लंदन जो दहशतगर्द नेटवर्क तालुक़ु रखे थो ॾखिण अफ्रीका सां। नासरीन कराची जे अमन अमान जे हवाले सां वफ़ाक़ी काबीना में बि बहस थियो आहे ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर चौधरी फवाद मूजिबि त वफ़ाक़ी सरकार इहो फ़ैसिलो कयो आहे त एम के एम जे लंदन ऐं ॾखिण अफ्रीका वारे नेटवर्क जे ख़िलाफ़ु लाॻापियल मुल्कनि सां वफ़ाक़ी सरकार राब्तो कंदी ऐं उनखे ॿुधायो वेंदो त एम के एम जो बानी लंदन में या बरतानिया में वेही करे जेका चिड़ ॾियारींदड़ या नफ़रत अंगेज़ तकरीर करे पियो सोशल मीडिया ते उहा वायरल थिए थी ऐं उनजो जेको नुक़सानु आहे या रदअमल आहे उहो कराची में ॾिसणु अचे पियो ॾिसण में अचे पियो पर हीअ अञा ताईं शुरूआती मालूमात आहे ख़ासि तौर ते अली रज़ा आब्दी जो जेको क़तल वारो वाक़ियो आहे उन हवाले सां अञा ताईं कानून लागू कंदड़ इदारनि पारां को वाज़े मौक़ुफ़ु न आयो आहे। अलबत्ता पी एस पी जा जेके ॿ कारकुन टारगेट कया विया उन्हनि जी त एफ आई आर जेका दाख़िलु कराई वई उहा एम के एम जे बानी ऐं एम के एम जो जेको नेटवर्क आहे लंदन सां तालुक़ु रखंदड़ या बरतानिया सां तालुक़ु रखंदड़ ऐं ॾखिण अफ्रीका सां तालुक़ु रखंदड़ उन्हनि जे माण्हुनि खे हिन में नॉमिनेट कयो वियो आहे। हिते इंतिहाई बहस वारी जेका सूरत हाल आहे या गणती वारी सूरत हाल आहे उहा इहा आहे
त जेके बज़ाहिर अलामतूं या निशानियूं आहिनि हिन मौजूदा जेका एम के एम जे पस मंज़र में सियासत आहे या एम के एम सां लाॻापियल धड़नि जे माण्हुनि ते हमला आहिनि या टारगेट क्लिक आहे उनखे ॻंढियो वञे पियो एम के एम जी इंटरनल सियासत सां त छा एम के एम जेको दहशतगर्द नेटवर्क आहे एम के एम जे लंदन सां तालुक़ु रखंदड़ धड़े जो उहो ॿीहर सरगर्म थिए पियो छा उन में एतिरी सकत या सघ अञा बाक़ी आहे त हू ॿीहर पंहिंजे दहशतगर्द नेटवर्क खे इस्तेमालु करनि ऐं उनखे सघारे नमूने सां ऑपरेट बि करे सघनि ऐं कराची जे अमन अमान खे ॿीहर दाव ते लॻाए सघनि। यकीन इन हवाले सां केतिरा ई सुवाल पैदा थियनि पिया त छा एम के एम जो लंदन सां तालुक़ु रखंदड़ नेटवर्क अञा ताईं एतिरो सघारो आहे जो हू कराची जे अमन अमान खे टारगेट बणाए सघे थो ॿीहर ऐं कराची जूं हालतूं छा हिकु भेरो ॿीहर वरी रतो छाण तरफ़ वञनि पियूं बोरी बंदि लाशनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू थींदो ऐं टारगेट किलिंग वारो जेको हिकिड़ो निज़ाम हुयो उहो हाणे दॿिजी चुको आहे बंदि थी चुको आहे छा उहो ॿीहर शुरू थियणु वञे पियो। यकीन ही इंतिहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे जंहिं ते हर आम शहरी समेत ख़ुदि वफ़ाक़ी ऐं सूबाई सरकार बि परेशान आहे ऐं इजलास थियनि पिया वफ़ाक़ी सतह जा सूबाई सतह जा। इन हवाले सां वक़्तु आहे नाज़रीन हींअर ब्रेक जो ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं पाण वापसि ईंदासीं त हलंदासीं अली रज़ा आबदी जे क़तल वारे सानहे तरफ़ ऐं तव्हांखे ॻाल्हि ॿोल ॿुधाईंदासीं एम के एम जे मुख़्तलिफ़ अॻवाणनि जी त हिन पस मंज़र या ही जेको पेश मंज़र आहे इन हवाले सां एम के एम जी जेका लीडरशिप आहे उनजो कहिड़ो मौक़ुफ़ु आहे। पर उन खां पहिरियां थोरो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में अमन अमान जे हवाले सां पाण क्राइम वॉच में ज़िक्र करियूं पिया अली रज़ा आबदी जे क़तल जे केस जो। अली रज़ा आबदी जे क़तल वारे सानहे खां पोइ कराची समेत सॼे मुल्क में ॻणिती जी लहर पखिड़ियल आहे छाकाणि त अली रज़ा आबदी अॻूणो एम एन ए रहियो आहे एम के एम जो, पर सियासी तौर ते हुन कोशिश कई पए स्ट्रगल कई पए एम के एम जे मुख़्तलिफ़ धड़नि खे पाण में मिलाए इतिहाद क़ाइमु करण जी ऐं लिबरल क़िस्म जो अॻवान लेखियो वेंदो रहियो आहे अली रज़ा आबदी। तोड़े जो हींअर ताईं इहो वाज़े न थी सघियो आहे त अली रज़ा आबदी जे क़तल पुठियां कारण कहिड़ा आहिनि ऐं लिकल किरदारु कहिड़ा आहिनि, पर बज़ाहिर हींअर ताईं जेको कानून लागू कंदड़ इदारनि जी इन्वेस्टिगेशन आहे उहा ॿुधाए पई या वफ़ाक़ी वज़ीर चौधरी फवाद जेको मौक़ुफ़ु अख़्तियार कयो आहे उन मां त इहो लॻे पियो त जेका जांच जो रुख़ आहे उहो एम के एम जी इंटरनल सियासत तरफ़ आहे। अली रज़ा आबदी जो क़तल बज़ाहिर ईअं लॻे पियो जांच कंदड़ इदारनि जी इन्वेस्टिगेशन जे तरीक़े मां त एम के एम जी अंदरूनी सियासत जो शिकार बणियो आहे ऐं वफ़ाक़ी सरकार इहो फ़ैसिलो कयो आहे त एम के एम जे बानी जी तकरीरुनि खे रोकण लाइ बरतानिया ऐं ॾखिण अफ्रीका सां राब्तो कयो वेंदो छाकाणि त एम के एम जो जेको दहशतगर्द नेटवर्क आहे उहो आम तौर ते ॾखिण अफ्रीका खां ऑपरेट कंदो आहे ऐं पी एस पी जे ॿिनि कारकुननि जे क़तल वारे हवाले सां बि उन ई नेटवर्क खे ज़िमेदार करार ॾिनो वियो आहे। त छा अली रज़ा आबदी जे क़तल पुठियां बि एम के एम जो ई किरदारु आहे एम के एम लंदन जो या एम के एम ॾखिण अफ्रीका जो? इन हवाले सां त कानून लागू कंदड़ इदारा ई पंहिंजी जांच में असुलु हक़ीक़तूं वाज़े कंदा, पर पाण हलंदासीं एम के एम जे अॻवाननि तरफ़ ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त इन हवाले सां एम के एम जे अॻवान डॉक्टर फारूक सत्तार जो कहिड़ो मौक़ुफ़ु आहे। ख़ासि तौर ते अली रज़ा आबदी जे क़तल वारे सानहे खां पोइ फारूक सत्तार न रुॻो मायूस आहे पर संदसि चवणु आहे त कराची में बदमनी जी बाहि खे ॿीहर भड़काइण लाइ साज़िश थिए पई ऐं अली रज़ा आबदी जो क़तल बि उन साज़िश जी कड़ी आहे। अचो त तव्हांखे ॿुधायूं त डॉक्टर फारूक सत्तार इन हवाले सां छा पियो चयो। सिर्फ़ मेरा नहीं, कराची का नहीं, एम क्यू एम का नहीं, वो अली रज़ा आबदी पाकिस्तान का मुल्क का असासा था और सरमाया था। अली रज़ा आबदी मेरे बच्चों की तरह था, अपने हाथों से हमने उसको बनाया था, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल था, वो पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद था वो। किस बेदर्दी, सफाकी और बुजदली के साथ उसे टारगेट करके शहीद किया गया है। बुजदली है, सफाकी है, दहशतगर्दी है, दरिंदगी है, बुजदली है जिसने भी ये किया है।
हम कब तक लाशें उठाएंगे? ये शहर कब तक इस तरह लोगों को, बेगुनाह लोगों को इस तरह शहीद होते हुए, कत्ल होते हुए, मरते हुए देखेगा? हम कब तक करेंगे? लोगों में गम, लोगों में गम और गुस्सा है। मैं उन्हें कैसे तसल्ली दूं? क्यों नहीं अली रजा की सिक्योरिटी का ख्याल किया गया जब बीएसपी के दो साथी शहीद हुए थे? क्यों उसी वक्त ये सिक्योरिटी अलर्ट जारी नहीं हुआ? मैं वफाक की हुकूमत से पूछता हूँ, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से पूछता हूँ। यहाँ शहर में बदमनी की फिजा पैदा की जा रही है, एक साजिश के तहत फिर इस शहर को बदमनी में धकेला जा रहा है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को सोचना होगा। ये जो कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, इस साजिश को भी बेनकाब किया जाना चाहिए, कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। इंतहाई तश्वीशनाक सूरत हाल है। ये शहर अभी मुश्किल से संभला था। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं तो फिर ऐसे वाकयात का दोबारा सर उठाना हुकूमत की साख के लिए भी अच्छा नहीं, चाहे वफाकी हो, सूबाई हो। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक सत्तार जी गाल बोलावा बुधी। डॉक्टर फारूक सत्तार एम के एम पाकिस्तान का रुठल अगवान है, अली रजा आबदी भी उनके सिफ में गण्यो वो अली रजा आबदी के हवाले से भी इतला तो कुछ ढीह पे एम के एम में गैर फाल थी चुको हो, यानि कि अलहदगी अख्तियार कर चुको हो एम के एम का। उन कत्ल वो ही सानियो, अफसोसनाक सानियो सामू आयो है। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एम के एम पाकिस्तान की राबता कमेटी जो सरबराह भी है, वफाकी वजीर भी है, वफाकी हुकूमत जो हिस्सो है एम के एम के अगवाण की हैसियत में अचो तो तुम्हें तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो अली रजा आबदी के कत्ल के हवाले से चवण है, इन समूरी पस मंजर के हू किए पे जाने किस बात की सजा दी गई है। कुछ लोग चाहते हैं कि जिस तरह वो सोचते हैं पूरी कौम सोचे, जिस तरह वो बोलते हैं पूरी कौम बोले, जिस तरह वो जीने को कहते हैं उस तरह हम सब जिए, ऐसा हो नहीं सकता। ये शहादतों का सफ़र है, आज उसमें अली रजा आबदी ने अपना हिस्सा डाला है। फिर कुछ लोग सरगर्म हो गए और मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ बहानों से महाजन नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। हमें इस साजिश और इस मंसूबा बंदी के ख़िलाफ़ मिलकर कुछ सोचना होगा। जो वाकया 8 दिसंबर को मेरे साथ हुआ था, बलूचिस्तान जौहर में धमाका हुआ था, बच गए थे हम लोग, मेरे कोऑर्डिनेटर बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे, उसके बाद अंदेशा ये था कि ये सिलसिला अब एक मंसूबा बंदी के साथ शुरू कर दिया जाए। नासरीन, अली रजा आबदी के कत्ल समेत पीएसपी के बिन कारकुनन के मारजण वाले वाक़े सूदो जका कराची में बदमनी की नई लहर है, उनते न रुगो एम के एम जहा अहम अगवान क्यादत परेशान है, तहफुजात या खदशन जो शिकार है, पर खुद वफाकी सरकार भी इन मामले के संजीदा वठे पई। अली रजा आबदी के कत्ल वाले साने का पोए ममलकती वजीर, वफाकी ममलकती घरू वजीर कराची में पहुतो है, उन गवर्नर हाउस में आला सतह जो इजलास किया है। उन इजलास में डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध पुलिस समेत बया कानून लागू कंदड़ अहम अमलदार शरीक थे। इन हवाले से गवर्नर इमरान इस्माइल वफाकी ममलकती वजीर पारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वही या मीडिया टॉक किया वो अच्छे तक बुधाऊँ तो शहरयार आफरीदी ए गवर्नर सिंध जो चवण हो, खास तौर से कराची में बदमनी वाली सूरत हाल के हवाले। कराची में जो वाकयात की रूनुमा हो रहे हैं बड़े अरसे के बाद, ये आया किसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि तीनों फ्रैक्शंस एमक्यूएम के टारगेट हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो क्रैकर अटैक एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर हुआ, उसके बाद पीएसपी के दफ्तर पे हमला हुआ जिसमें दो जाने ज़ाया हुई, और उसके बाद कल हम सब के एक मुश्तरका दोस्त को
निशाना बनाया गया जिनका ताल्लुक शायद PIB से था या और लंदन के किसी फ्रैक्शन से था, लेकिन जितने MQM के फ्रैक्शन हैं सबके ऊपर अटैक हुए। इसका एक क्रेडिट मैं MQM को ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और इस मौके पर कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया, जैसे माजी में चीज़ें होती रही हैं उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया। हमने आज बड़ी भरपूर तरीके से मजम्मत काफ़ी नहीं है इन हीडियस क्राइम्स की, हमने आज भरपूर तरीके से एक स्ट्रेटजाइज की है, हमने एक हिकमत अमली अपनाई है, एक जामे रिपोर्ट वज़ीर साहब वज़ीर आज़म को सुबह पेश करेंगे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और उसमें कराची के हवाले से बड़े फैसले होने मुतवक्के हैं। माजी का वतीरा ये था कि जी इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये जी सूबे की जिम्मेदारी थी या ब्लेम गेम वॉज दी ऑर्डर ऑफ द डे। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न के अलावा बार बार मुझसे रबते में हैं और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस नासूर को दहशतगर्दी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के हमसायों के साथ, चाहे वो ट्राइपार्टाइट पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब गए, चाहे वो ईरान के साथ हों, चाहे वो करतारपुरा हिंदुस्तान के हवाले से हो, मैसेज पाकिस्तान से ये गया है कि हम सबके साथ अमन चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तानियों को किसी लेवल पर भी इस नासूर के हवाले नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे भेजा और तमाम की स्टेक होल्डर्स के साथ, इसमें कोई शक नहीं, लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं तमाम की स्टेक होल्डर्स ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और कराची के लोगों ने। अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकल मेजर्स लेके एग्जेम्पलरी इनिशिएटिव्स के ज़रिए इस नासूर को ख़त्म किया जाए। हमें जो अभी डेलिब्रेशंस हुई डिटेल और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखने के बाद इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि आज चीफ मिनिस्टर साहब भी होते, चीफ मिनिस्टर साहब इमरजेंसी में चले गए, लेकिन उनकी टीम मौजूद थी। हम एज ए टीम आगे जाना चाहते हैं, हम वफाक सूबे मिलके तमाम की स्टेक होल्डर्स मिलकर इस नासूर का मुकाबला करेंगे। नाज़रीन सिंध के गवर्नर है ममलकती वजीर शहरयार आफरीदी की गाल बोल में बुधी कराची जो अमन है यकीनन वो इंतहाई अहमियत रखे तो कराची में टारगेटेड ऑपरेशन का वेझे माजी दौरान अमन अमन वाली जो सूरत हाल रही हुई हाँ ये पे लगे तो कुछ नेटवर्क नेक्सस हैं जे बीहर फाल थे शुरू थे उनके फाल थे जे करे कानून लागू कंदड़ इदारा तोड़े वफाकी सूबाई सरकार भी संजीदगी से इन समूरी सूरत हाल के नरुगो ऐसे पी पर कोशिश कई वे पी तो नेटवर्क के वायखो किया वे जे लिखल किरदार हैं कराची में बीहर बदमनी की बाह भड़कण वाली साजिश के पुठियां उनके बेनकाब किया वे हिंसर वक्त है नाजरीन एक ब्रेक जो ब्रेक का पा वापस मोटी इंदी गाल बोल कंदासी तो ही जका नई लहर है कराची में बदमनी की उन जे पुठियां लिखल किरदार या कारण कड़ा सरकार जो ऑपरेशन है वफाकी सूबाई सरकार जो कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन वो मुतासिर थो है वफाकी हुकूमत के तब्दील थे के नतीजे में। वेलकम बैक नाजरीन का जिक्र हले पे क्राइम वॉच में कराची अंदर वधंदड़ बदमनी की वारदातों को गुजरियल डेढ़ महीने के अरसे दौरान एक बे के पुठियां छह छिड़काईंदड़ वाकया थे जो दहशतगर्दी जहाँ वाकया उन अमन अमान के हवाले से कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से केतरा ही सवाल पैदा थी चुका है, पर स्पेशली जो ही वाक्य थो है सियासी तौर पर टारगेट किलिंग थी है MQM के अगूणे MNA अली रजा आब्दी की उन शहरों में दहकाव वाली सूरत हाल है जैसे कानून लागू कंदड़ इदारा भी कोशिश करन पाया तो जे वाक़े के पुठियां लिखल किरदार उनके बेनकाब कजें
ॾोहारियुनि खे पकिड़े कानून जे कटहरे में आणिजे। असांजे प्रोग्राम जे हिन सेगमेंट में असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते असांजो महिमान आहे SSP इन्वेस्टिगेशन ॾखिण तारिक रज़ाक धारेजो साहिबु, जेको हिन मामले जो न रुॻो इन्वेस्टिगेशन आफ़िसर आहे पर जेका जांच कमेटी जोड़ी वई आहे अली रज़ा आब्दी जे क़तल केस में लिकल कातलनि खे वाइखो करण लाइ उन कमेटी जो बि हिसो आहे। अस्सलाम वालेकुम SSP साहिबु। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, हीउ जेको अली रज़ा आब्दी वारी टारगेट किलिंग आहे उनजी तव्हां जांच टीम जो हिसो आहियो, किथे जांच में का अघु भराई आहे, किथे पहुती आहे इन्वेस्टिगेशन? जी बिल्कुलु, जेकी असांजी जांच आहे उहा मल्टी डायरेक्शन हले थी पई। असां हर एंगल खां ॾिसूं पिया, जंहिंमें पोलिटिकल एंगल्स बि आहिनि, जंहिंमें रिलीजियस फैक्टर बि आहे या ॿियो को बि आहे। इहे सभिनी ते जांच हले थी पई ऐं काफ़ी असां शयूं जेके आहियूं जेके असां पंहिंजो जोड़ींदा था वञूं हिन केस जूं कड़ियूं जेके आहिनि, ऐं इनशाला जल्दी जेको आहे असां कातरनि ताईं पुॼी वेंदासीं। तारिक साहिब, हीअ तव्हां जेल में MKM जे बंदि पयल क़ैदियुनि खां बि पुछा ॻाछा करियो पिया इन हवाले सां, को जेका डायरेक्शन आहे जांच जी उहा सेक्टेरियन हवाले सां थी सघे थी या ज़ाती दुश्मनी या कहिड़ा बि मुख़्तलिफ़ डायरेक्शन थी सघनि थियूं, पर जेको हींअर ताईं वाज़े पिक्चर ठही आहे, छा उहा ईअं चई सघिजे थो त MKM जो इंटरनल जेको मैकेनिज़म आहे उन हवाले सां हिन क़तल जी बि कड़ी मिले थी? जी जी, घणे हद ताईं असां इहो चई सघूं था, घणे हद ताईं, छो त जेके रिलीजियस जेके आउटफिट्स आहिनि या ऑर्गनाइजेशन आहिनि उहो काफ़ी हद ताईं जेको असांजो ऑपरेशन थिया आहिनि उनमें डॉर्मेंट थी वियो, उनमें ख़तमु थी वियो। बाक़ी जेको जॾहिं असांजो ज़ोर हिननि जे मथां थोरो फोकस असांजो ॿिए पासे शिफ्ट थियो, त पोइ उनखां पोइ जेके हिन जा स्लीपर सेल्स आहिनि उहे एक्टिव थिया, त इनशाला जल्दी जेको आहे हिन जा जेके बि स्लीपर सेल्स आहिनि उन्हनि खे बि ख़तमु कंदासीं। ऐं ॿियो इहो त जेके बि माना जेके बि हिन जुड़ियल केस सां जुड़ियल आहिनि सभिनी जा इंटरव्यूज़ कया हूंदा, उहे पोलिटिकल लीडर्स बि हूंदा जेके MKM जा बि हूंदा, सभिनी खे बि घुराए करे उन जांच जो हिसो ठाहींदासीं, ऐं ताकि जीअं सच जेको आहे उहो जल्दी साम्हूं अची वञे। तारिक साहिबु, हिकिड़ी शइ त एस्टेब्लिश थी चुकी आहे हींअर ताईं त अली रज़ा आब्दी MKM जी जेका अंदरूनी इख़्तिलाफ़ हुआ या धड़ाबंदी हुई उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हो, ऐं हुन कोशिशि थिए कई त सभई धड़ा MKM जा गॾिजी वेहनि ऐं ताकी पुरमन तरीक़े सां सियासी जदोजहद करे सघिजे। इन हवाले सां तव्हां कुझु का शइ का मालूमात असांजे नाज़रीन सां शेयर करणु चाहींदो, छाकाणि तव्हां उनजो जेका जांच कमेटी आहे उनजो फ़ोन बि तव्हां डिकोड कयो आहे, त कहिड़नि कहिड़नि माण्हुनि सां उहो आख़िरी वक़्त ताईं राब्ते में हुयो, ऐं छा इन इतलाउ में बि सदाकत आहे त उनखे धमकियूं मिलियूं चारि ॾिहाड़ा पहिरियां? ॾिसो, उनमें जेको असांजे उनजे वालिद साहिब सां ॻाल्हि थी आहे धमकियुनि जे हवाले सां, त उहो अञा ताईं को असांखे माना हिकिड़ी जेको आहे फॉर्मल अंदाज़ में असांखे ख़बर न पई जेकी आहे त हुनखे धमकियूं। बाक़ी हर पोलिटिकल लीडर जेको MKM सां जुड़ियल आहे हिन महिल जेको आहे, छो त हिन जा काफ़ी फैक्शन थी विया आहिनि, त उहो हुनमें प्रॉब्लम्स हलनि था पिया ऐं उहा हर कोई जेको आहे उहो अंडर थ्रेट आहे। बाक़ी जेकी तव्हांजी ॻाल्हि हली त इन जे हवाले सां जेको फोन जेको डिकोड करिणो आहे उहो असां कंपनी जे माण्हू पिया जीअं डिकोड थी वञे, छो त हुनखे कोर्ट ते लॻल आहे ऐं उन मां काफ़ी असांखे डेटा मिली वेंदो। ऐं यूनिफिकेशन जिते साईं हिन जूं जेके आहिनि त फ़िलहाल जेको हुयो उहो सिर्फ़ु हर क़िस्म जी पॉलिटिक्स पासे रुकी करे हिकु पंहिंजे बिज़नेस ते तवजो ॾिए पियो, कहिड़ी हाणे ट्वीट कंदो हुयो, ऐं जेकी बि हिन जी नाराज़गी हुई MKM पाकिस्तान उन ते बि नज़र विझूं पिया, हर एंगल ते असां कमु कयूं पिया हिन मां। तारिक साहिबु, जेको वेपन यूज़ थियो आहे अली रज़ा आब्दी जी टारगेट किलिंग में, 30 बोर वारो पिस्तोल, उहो पहिरियां फॉरेंसिक में मालूम थियो आहे इन्वेस्टिगेटर्स खे त पहिरियां बि कंहिं वारदात में रहियो आहे, उनमें इन्वॉल्व रहियो आहे, उहो वेपन इस्तेमालु थियो आहे, इन हवाले सां कुझु शेयर करणु चाहींदो? जी जी, उनखे उन केस ते बि वर्कआउट हले थो पियो, उन लाइ बि टीम ठही वई आहे ऐं उनजो बि लिंक पॉसिबल लिंकेजिस जेके आहिनि ॾिसूं पिया त किथे आहिनि। जी तारिक रज़ाक धारेजो साहिबु, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, हीअ जेको पुलिस जी इन्वेस्टिगेशन जो रुख आहे, जीअं SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक रज़ाक धारेजो साहिबु बि असांखे ॿुधायो, त उनजी जेका वधीक डायरेक्शन आहे उहा हिन केस जे मामले में MKM जी इंटरनल सियासत जो खाज ॿुधायो वञे पियो या बज़ाहिर महसूसु थिए पियो त बणायो वियो आहे अली रज़ा आब्दी खे, पर फ़िलहालु जेसीं ताईं इन्वेस्टिगेशन फाइनल नथी थिए असां इहो चवण जी पोज़ीशन में न आहियूं त अली रज़ा आब्दी जे क़तल जो ज़िमेदार केरु आहे। जेका इन्वेस्टिगेशन हले पई उन में इहो क्लियर थी चुको आहे त जेको 30 बोर पिस्टल इस्तेमालु थियो आहे अली रज़ा आब्दी ते
उन किलिंग में टारगेट किलिंग में वो पिस्टल कुछ दिहाड़ा अग 10 दिसंबर से लियाकताबाद में एहतशाम नाले एक नौजवान के कत्ल में इस्तेमाल थो हो उन जो जो शक है एहतशाम के कत्ल जो वो इरफान नाले एक शख्स से है जो डिफेंस में रो पे पर हाँ उन कत्ल पोएं कत्ल वाली वारदात का गायब है। कुछ लिंक्स हैं जो पुलिस और कानून लागू कड़ इदारन के मिले हैं जो जरिए वा असा मालूम मिले पी पर समूरे केस से खास तौर से डायरेक्शन इन तय कई है वह वफाकी इतलात वाले वफाकी वजीर चौधरी फवाद कई है। फवाद चौधरी मूजिब तो ही कत्ल है या जो नई अमन अमान के हवाले से सूरत हाल पैदा थी है कराची में उनमें एम के एम जो जो लंदन वो नेटवर्क है या दखन एशिया वो नेटवर्क है वो एक्टिव थन्दे नजर अचे पो बकौल वफाकी वजीर के जैसे नाजरीन कराची में एम के एम लंदन जो बीहर नेटवर्क दहशतगर्द नेटवर्क एक्टिव थी रो है तो यकीन यह खौफनाक सूरत हाल है इन मोहन दियण लाइ कानून लागू कड़ इदारन के पांजो बुर्जस्तो किरदार अदा करणो पवंदो कराची जो अमन है वो इंतहाई अहम है ज़रूरी है हर सूरत में कराची के अमन अमान वाली सूरत हाल के बहाल ए बरकरार रखो वे अजो के प्रोग्राम में नाजरीन एतरो मेज़बान गाजी झंडेर के दींदा इजाज़त अल्लाह वाहे।